हेलो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा क्लास 10th और 12th का इवेलुएशन प्रोसेस डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले क्लास 10th की बात करते हैं। 40% ऑफ एवेल्यूशन किया जाएगा मार्क्स ऑब्टेंड इन क्लास 9th एग्जाम। नेक्स्ट 40% दिए जाएंगे क्लास 10th के इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पे, जैसे प्री बोर्ड्स, यूनिट टेस्ट्स आदि। बचे हुए 20% स्कूल द्वारा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के अटेंडेंस और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 10th की ही, लेकिन ऐसे स्कूल्स की जिनके पास इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई सोर्स नहीं है, मतलब जिन स्कूल्स द्वारा प्री बोर्ड या कोई इंटरनल एग्जाम्स नहीं लिए गए हैं। इस केस में 70% इवेल्यूशन किया जाएगा उनके क्लास 9th के मार्क्स के ऊपर जो उन्हें हर सब्जेक्ट में मिले हैं, और बाकी का 30% स्कूल्स द्वारा दिया जाएगा। क्लास 12th के इवेल्यूशन क्राइटेरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल्स और सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल्स। सब्जेक्ट्स जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं उनके 50% दिए जाएंगे क्लास 10th के बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स में से, 30% दिए जाएंगे प्रैक्टिकल मार्क्स के बेसिस पे, 10% दिए जाएंगे स्कूल द्वारा स्टूडेंट्स के अटेंडेंस और अदर पैरामीटर्स को देखते हुए। बचे हुए 10% दिए जाएंगे काउंसिल द्वारा आउट ऑफ 90 मार्क्स। वो स्टूडेंट कितना स्कोर करता है उस हिसाब से, अगर किसी के 90 आउट ऑफ 90 आते हैं तो मतलब उसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे उस सब्जेक्ट में। अगले हैं सब्जेक्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्स। 50% दिए जाएंगे क्लास 10th के बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स में से, 40% दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर और बाकी के 10% काउंसिल द्वारा दिए जाएंगे। रिजल्ट्स 31 जुलाई तक अनाउंस कर दिए जाएंगे, और अगर कोई स्टूडेंट इस एवेल्यूशन क्राइटेरिया से खुश नहीं है तो वो एग्जामिनेशंस के लिए बैठ सकता है। आसाम सरकार सितंबर 2021 में एग्जाम्स करवाने की एम कर रही है, लेकिन अगर कोरोना की हालत ठीक नहीं होती है तो ये एग्जाम्स 2022 में लिए जाएंगे। साथ ही जो एक और बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि आगे जाके जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल एग्जाम्स बहुत ज़रूरी है। आसाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ क्लास 10th और 12th के मार्क्स को देखा जाता है नौकरी के लिए, वो इन असेसमेंट मार्क्स को नौकरी के लिए नहीं देखेगा। टेट और अदर डिपार्टमेंट्स जो कि क्लास 10th और 12th के मार्क्स पे बेसिस पे हायर करती है, अगर स्टूडेंट्स को इनमें जॉब चाहिए तो उन्हें स्पेशल एग्जामिनेशन में अपेयर होना पड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्पलेस है। अगर वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाते हैं और असेसमेंट मार्क्स के बेसिस पे जॉब्स देते हैं तो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, साथ ही वो सब्जेक्ट टू लिटिगेशन हो जाएंगे। अदर बैचेस के एप्लीकेंट्स उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो कैसे असेस कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स को जो एग्जाम्स में बैठे ही नहीं और उनको जो एग्जाम्स देकर आए हैं एक ही जॉब के लिए। इसलिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इस स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए आपको दोबारा से कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।